नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विथ इग्नू इस कार्यक्रम में हम उन सबका स्वागत करते हैं जो हमारे साथ इस फेसबुक लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। वो प्रश्न है कि एग्जाम और रजिस्ट्रेशन फी इन्होंने पे किया है बट उनको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। सो ऐसे हालात में उनको थोड़ी सी चिंता है, हम उसकी चिंता को कैसे हाँ, बिल्कुल देखिए, हम सबके साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं लेकिन किसी कठिनाई की वजह से, मान लीजिए कि हमारे एंड पे इंटरनेट ड्रॉप कर गया, उस समय कनेक्टिविटी वीक हो गई, तो कई बार पेमेंट कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आती है। तो हम ऐसे विद्यार्थियों को ये सलाह देंगे कि आप तुरंत दूसरा पेमेंट ना इनिशिएट करें जी। आप 24 से 48 घंटे की प्रतीक्षा करें। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है जी कि जो पेमेंट गेटवे का सर्वर है, बैंक का सर्वर है और हमारा अपना जो सर्वर है, वो आपस में कम्युनिकेट करके एक दूसरे को अपडेट करते रहते हैं। जी। हम S2S कहते हैं, सर्वर टू सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो पेमेंट्स मान लीजिए कि कंफर्म नहीं हो पाई हमारे सिस्टम पे, उनका कंफर्मेशन एक रेगुलर मैनर में होता रहता है जी। तो आप 24 से 48 घंटे की प्रतीक्षा करें। और जहां तक री रजिस्ट्रेशन की बात है, स्टूडेंट्स अपने लॉगिन में जाके देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस। वो बता दिया जाता है कि पेमेंट बाउंस कर गया या पेमेंट फेल कर गया या पेमेंट सक्सेसफुल है। इस विद्यार्थी को अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा, दो दिन जरूर वेट कर। अच्छा, एक और प्रश्न है डॉक्टर साहब। एक विद्यार्थी हमारे से जुड़ करके MBA हॉस्पिटलिटी में एडमिशन चाहते हैं, MBA इन हॉस्पिटलिटी। वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ये एग्जाम डायरेक्ट है या इसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट आप लेते हैं? ये एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है जो कि NCHMCT चलाती है। तो अधिक जानकारी के लिए उन्हें NCHMCT या हमारे स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज मैनेजमेंट से संपर्क करना होगा जी। ये प्रोग्राम उन्हीं के माध्यम से ऑफर किया जाता जी। है हमारे कुछ कोर्सेज जरूर होते हैं उसमें, लेकिन ये प्रोग्राम उन्हीं के द्वारा ऑफर किया जाता है।